तो लोग ठीक से जानते नहीं थे कि डोंगी पानी गांव कहाँ पर होता है उस ब्लॉक में, जबकि ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है वह गांव, जो कि आपको यदि ब्लॉक मुख्यालय से उस गांव जाना है तो लगातार 10 किलोमीटर आपको जंगल से जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर तो आप रोड से जाएंगे और 5 किलोमीटर आपको बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा जंगल के, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गांव है। तो मैं सर, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जिले में जंगल बिल्कुल नहीं है, वन नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ आना हुआ और मैं जब वहां गया, एक बरमकेला में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको मैंने पूछा, उन्होंने मुझे पता बताया। उन्हें मैं अपने बाइक पर बैठा के ले गया उस गांव, क्योंकि मैंने उस गांव को देखा नहीं था। और फर्स्ट असर, आज भी कोई व्यक्ति अकेला उस गांव में, उस रोड में अनजान व्यक्ति जाने के लिए डरता है, ऐसा रोड है और ऐसे जगह में स्थित है वो गांव। तो जब मैं वहां पहुंचा सर, तो रोड एकदम बहुत खराब थी, रोड की स्थिति ठीक नहीं थी। और जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल में बच्चे ठीक से स्कूल नहीं आते थे, ठीक से पढ़ते नहीं थे, तो बहुत सारी समस्याएं थी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ रह पाऊंगा कि नहीं, मैं यहाँ पढ़ा पाऊंगा कि नहीं, मुझे लगा कि कहाँ मैं फंस गया, ऐसा लगा कि मैं आके फंस गया हूँ यहाँ, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। परंतु मैंने सोचा कि मुझे यहाँ करना है, क्योंकि मैं भी एक बहुत लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक गांव से बिलोंग करता हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था तो हमारे गांव में रोड नहीं था, जो खेत की पगडंडी होती थी उसी के थ्रू हम जाते थे स्कूल, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे। और पढ़ने के दौरान मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल किया था, तो मुझे लगता था कि हाँ, ये एक ऐसा जगह है जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के लोग हैं, जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 12th पास भी था, 12वीं पास भी नहीं था। यहाँ के लोग 5वीं 8वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दिए थे और बहुत ज्यादा लोग, लगभग 50% से ऊपर लोग तो अनपढ़ थे। तो यहाँ आने के बाद मुझे समझ आया कि यहाँ बहुत सारे चीज करने की आवश्यकता है। फर्स्ट देखिए, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें सर्वप्रथम यह करना है कि बच्चे स्कूल आए। तो बच्चे कैसे स्कूल आएंगे, इस पे मुझे काम करना पड़ा स्टार्टिंग में। और मैंने उनके माता पिता से मिलके उनको बच्चों को स्कूल लाने के लिए बहुत सा प्रयास किया। बच्चे स्कूल नहीं आते थे तो हम रोज उनके घर जाते थे, उनके माता पिता से मिलते थे, उनको समझाते थे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो बहुत सारे माता पिता थे वो मिलते नहीं थे, क्योंकि यहाँ के जो पालक होते हैं वे लगभग सुबह 7-8 बजे निकल जाते थे काम करने के लिए खेत में जंगल में, तो वे लगभग शाम को आते हैं। जब हमारी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो आते थे, हम मिल नहीं पाते थे माता पिता से। कई माता पिता अपने बच्चों को अपने साथ लेके जंगल चले जाते थे, लकड़ी काटना, मोहा बीनना, तेंदू पत्ता तोड़ना। और कई माता पिता खेत ले जाते थे, जिनके छोटे बच्चे होते थे तो जो बड़े बच्चे होते थे उनके बच्चों को खिलाने खिलाने का काम करते थे, पकड़ने का काम करते थे। तो इस कारण से बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे। परंतु आज की स्थिति बहुत बेहतर है, 100% बच्चे स्कूल आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं।